नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। स्मार्ट मीटर कहीं से भी बंद हो सकेगी घर की बिजली, बोर्ड इसी सप्ताह लॉन्च करेगा ऐप। कई बार जल्दबाजी में घर से निकलती बार आप बिजली के बल्ब और अन्य उपकरण बंद करना भूल जाते हैं। इससे फिजूल में बिजली की खपत होती है और बिल ज़्यादा आता है। इसका हल अब बिजली बोर्ड ने निकाल लिया है। बोर्ड ने ऐसी मोबाइल ऐप तैयार की है जिससे कहीं से भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बंद की जा सकेगी। इसका कंट्रोल बोर्ड के पास रहेगा, आपको बस बोर्ड को फोन कर सूचित करना है। इस ऐप को इसी सप्ताह लॉन्च किया जाएगा। उपलब्धि पायल, नौसेना में लेफ्टिनेंट, डॉक्टर शबनम बनी कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक। डीएवी स्कूल आलमपुर की छात्रा पायल महाजन ने भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पायल पुत्री अनिल गुप्ता निवासी वार्ड 9 सुजानपुर टीहरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा LKG से लेकर 12वीं तक पढ़ाई DAV स्कूल आलमपुर में की है। पायल ने वर्ष 2017 में सेना की लिखित परीक्षा करने के बाद भारतीय नौसेना के अश्विनी कमांड अस्पताल मुंबई में प्रशिक्षण लिया। वैज्ञानिकों का कमाल, कैक्टस फ्रूट का जूस, जैम और मुरब्बा भगाएगा मधुमेह और काली खांसी, कोलेस्ट्रॉल भी होगा नियंत्रित। मधुमेह, काली खांसी के साथ साथ अब शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कैक्टस फ्रूट का जूस, जैम और मुरब्बा दूर करेगा। जंगल और बंजर इलाकों में पैदा होने वाले कैक्टस के फल प्रिकली बियर में ऐसी औषधि गुणों का पता चला है जो उपरोक्त बीमारियों को दूर या कम करने में सहायक है। अब शहरी गरीबों को मिलेगी साल में 120 दिन के रोजगार की गारंटी। हिमाचल प्रदेश के शहरी गरीब बेरोजगार युवाओं को अब मनरेगा की तर्ज पर रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कानून बनाने जा रही है। इस विधेयक का ड्राफ्ट बिल आज होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक बजट सत्र में लाया जाएगा। इस विधेयक में युवाओं को 120 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। वहीं यह रोजगार 15 दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार की ओर से उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नियमों में किया बदलाव, हीमोफीलिया मरीजों को अब हर सप्ताह लगेंगे निशुल्क इंजेक्शन। हिमाचल प्रदेश में अब हीमोफीलिया मरीजों को हर सप्ताह निशुल्क इंजेक्शन लगेगा ताकि खून को बहने से पहले ही रोका जा सके। मरीजों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। वहीं अभी मरीजों को उस समय इंजेक्शन दिया जाता है जब उसे चोट या दुर्घटना के समय खून बहना शुरू होता था। HPU ने लगातार तीसरी बार जीती ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है। साक्षी शर्मा को बेस्ट डिफेंडर का खिताब मिला है। वहीं पिछले 5 साल से टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। राजस्थान की गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में 3 से 6 मार्च तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुई। इसमें देश भर के 16 विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया था। वहीं कप्तान पुष्पा राणा की अगुवाई में HPU टीम का सेमीफाइनल में मदर टेरेसा कोटा कैलोर विश्वविद्यालय के साथ मुकाबला हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टीम को एक तरफा जीत मिली। दूसरा सेमीफाइनल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र एवं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के बीच खेला गया। इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। रविवार को फाइनल मुकाबला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और HPU के बीच खेला गया जिसमें HPU की टीम विजेता रही। टैक्स चोरी पर वसूले 1,26,00,000 राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोलर ने मालवाहक वाहनों पर कसा शिकंजा। टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़ी निगरानी के साथ नियमित रूप से मालवाहक वाहनों की जांच की जा रही है।
ई वे बिलों में हो रही धोखाधड़ी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और नतीजन इस वित्त वर्ष में अभी तक 53,000 से अधिक ई वे बिलों की जांच कर करीब 1,26,00,000 रुपए का जुर्माना व टैक्स के रूप में वसूला गया है। बेरोजगारों की तादाद 8,50,000 पार, कांगड़ा और मंडी में 3,50,000 ग्राफ। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश में रोजगार कार्यालयों के दर पहुंचने वाले युवाओं का आंकड़ा धीरे धीरे 9,00,000 की ओर बढ़ रहा है। इस समय प्रदेश की कुल आबादी का 10% से अधिक तबका नौकरी की तलाश में है। लगभग 76,00,000 की जनसंख्या वाले प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 8,50,000 के पार हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा पहली बार 8,50,000 को पार कर 8,73,060 तक जा पहुंचा है। इनमें से भी दो जिलों कांगड़ा और मंडी में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3,50,000 से ज़्यादा है। प्रदेश के 10 जिलों में पंजीकृत बेरोजगारों का ग्राफ 50,000 से अधिक है और सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर में यह ग्राफ 50,000 से कम है। 31 मार्च को अनुबंध काल पूरा, तुरंत करें रेगुलर। प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार सभी विभागों को निर्देश दे कि 31 मार्च को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं संघ के अध्यक्ष अविनाश सैनी, महासचिव बलवीर सिंह बल्ली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप शर्मा और उपाध्यक्ष राजेश अग्नोत्री का कहना है कि विभिन्न विभागों की लेट लतीफी के कारण अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण में काफ़ी विलम्ब हो जाता है, जिससे उन्हें वित्तीय तथा वरिष्ठता संबंधित नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि अनुबंध कर्मचारियों में रोष व्याप्त ना हो। 947 में प्री प्राइमरी 97 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स, छात्रों की संख्या के आधार पर होगा स्कूलों का चयन। हिमाचल प्रदेश सरकार इस साल प्रदेश के 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू करेगी। स्कूलों का चयन छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। हर जिला के स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने SSA को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाए। किन किन स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करने हैं और किन में वोकेशनल विषयों को शुरू किया जाना, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें। वहीं केंद्र सरकार ने SSA के लिए इस साल 787 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। अब नए सत्र में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। संगठन के फैसले पर नहीं की मुलाकात, CM के बुलाने पर न मिलने का महासंघ अध्यक्ष ने बताया कारण। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने साफ किया है कि शिमला में विधानसभा घेराव के बाद वे CM जयराम ठाकुर के बुलावे के बावजूद उनसे मिलने क्यों नहीं गए। वहीं कर्मचारियों के भीतर भी इस कदम को लेकर चर्चा चल रही थी। NPSEA के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पद यात्रा शुरू होने से पहले संगठन ने निर्णय लिया था कि इस बार केवल CM से ही मिला जाएगा और वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पर। इस बार मिलने के लिए कोई डेपुटेशन नहीं जाएगा, इसी फैसले के कारण ये सब हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, CM ने कर्मचारियों से बाहर आकर बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शिमला पदयात्रा के बाद NPS कर्मचारियों पर दर्ज की गई FIR कर्मचारियों को डराने की हल्की कोशिश है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये थे कुछ सुबह के ताज़ा समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।